5 जुलाई को मोदी सरकार पार्ट 2 ने अपना पहला बजट पेश किया। सरकार भले ही बजट की तारीफ कर रही है, लेकिन बाजार में बजट से हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार को 2 दिन के कारोबार में ही 5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। आज तो शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 793 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 253 अंक फिसल गया। बजट से निराश निवेशकों के लिए आज शेयर बाजार से भी निराश करने वाली खबरें आईं। सेंसेक्स 737 अंक की गिरावट के साथ 39,476 अंक पर खुला और यही आज इसका उच्च स्तर भी रहा। एक समय तो सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ दिन के सबसे निचले स्तर 38,605 अंक तक पहुंच गया। बाद में सेंसेक्स 793 अंकों की गिरावट के साथ 38,721 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की सिर्फ 3 कंपनियां हरे निशान पर रही, जबकि बाकी की 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। यस बैंक के शेयर सबसे ज्यादा 5.56% मजबूत हुए, जबकि बजाज फाइनेंस में 8.18% की गिरावट आई। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 11,770 अंक पर खुला और खुलने के साथ ही इसमें थोड़ा सुधार हुआ और ये 11,772 अंक तक पहुंचा। निफ्टी का ये दिन का उच्च स्तर भी रहा। बाद में ये 11,523 के दिन के निचले स्तर से होते हुए 253 अंक की गिरावट के साथ 11,559 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों में से 45 लाल निशान में और 5 हरे निशान में बंद हुई। भारत के साथ ही दुनिया भर के अधिकांश बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रिटेन का FTSE 0.13%, जर्मनी का डेक्स 0.37%, जापान का निक्की 0.98% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.54% की गिरावट के साथ बंद हुआ। DB लाइव की रिपोर्ट।